मंसूरी, प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरे तो उनसे एक दिन भी न निपटी। हाँ, तुमसे निप जाएंगे। यदि मेरे पति ने मेरे साथ ये बर्ताव किया होता, अकारण मुझसे रूठे होते ना, तो मैं जिंदगी भर उनकी सूरत ना देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देती। पुरुष पर सबसे बड़े अधिकार स्त्री का है। माता पिता को खुश रखने के लिए वो स्त्री का तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्याल वालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहते हैं। देखा उस प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी। वह दीवार सड़ गई ना, टीप टैप करने से काम न चलेगा। उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा, आप कुछ मेरी भी कथा सुन लो। मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसे मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए उन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी, बंगले का किराया अभी तक इनसे दिया नहीं गया, फर्नीचर किराए के थे। ये सच है कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया। कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों का अनुमान हो कि ये कोई बड़े धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही तो है। ये स्वांग इसलिए भरा गया था कि कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ कि विनोद मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने का प्रयत्न किया करते हैं। अपने खत मुझे नहीं देखने देते। कोई मिलने आता है ना तो चौंक पड़ते हैं और घबराई हुई आवाज में बेरा से पूछते हैं, कौन है? तुम जानती हो मैं धन की मतलब लोभी नहीं हूँ। मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ जिसमें पुरुषार्थ हो, प्रतिभा हो। वे आज नहीं तो कल अवश्य धनवान हो जाएगा। मैं इस कपट लीला से चलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाइयां कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद भी करूंगी। ये मुझसे पर्दा करके ये मेरी सहानुभूति और सहयोग ही से हाथ नहीं धोते। मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और क्षोभ का बीज बोते हैं। ये चिंता मुझे मारे डालती है। अगर इन्होंने अपनी दशा साफ साफ बता दी होती ना, तो मैं यहाँ मंसूरी आती ही क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि आदमी पागल हो जाए। ये हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता? सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेजा रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 300 मिलेंगे। समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 तो पापा मेरा कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 जगह ना मिली तो ये क्या करेंगे? ये फिक्र भी और खैर डालती है मुझे। मुश्किल यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुत्थियां ही सुलझ जाए, मगर शायद ये मुझे इस योग समझते ही नहीं। शायद इनका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ, जिसे भांति भांति के आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजाना ही काफी है। हाँ, थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला होता है तो दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुझे अवलंब दी जाती है और बड़ी प्रसन्नता के साथ। मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में मगन रहना चाहती हूँ। मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश ही नहीं है। ये मेरा अपमान ही तो है, घोर अपमान है मेरा, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने बोर्ड अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ, बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल हवाल विस्तार से लिखूं, और तुम भी लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5,000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो, मैं नए दूरगामी मोटर बोट पर। अवसर विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है, लेकिन कोई दैवी विपत्ति आ जाए तब भी इसी मोटर बोट पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल के टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियों पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही तो जाता है, बस तुम्हारी प्रज्ञा। प्यारी प्रज्ञा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो, इस विषय में तुमने मुझे उपदेश देना लेना चाहिए। विनोद बाबू पर तुम व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर रसिक शिष्ट वाणी मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम में गंभीर अंश भी है। फिर देखो कि विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं।
और बहन ये तो मानवीय स्वभाव है, सभी चाहते हैं कि लोग हमें प्रसन्न समझे, संपन्न समझे। इस स्वांग को अंतक निभाने की चेष्टा की जाती है और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल हो जाता है। जिस युग में धन ही सर्वप्रधान हो और मर्यादा कीर्ति यश यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युग में स्वांग भरना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुंह ताकते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फल आया। इन ज्ञान उपदेश के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुमने पतिदेव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके पांचवे ही दिन स्वामी का कृपा पत्र मुझे मिला। बहन वह खत पाकर मुझे इतनी खुशी हुई इसका तुम अनुमान नहीं कर सकती। मालूम होता था अंधे को आंखें मिल गई हूँ। अभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी, सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बारातियों की उदंडता पर खेद प्रकट किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसा नहीं किया था। अंत में लिखा था, प्रिय तुम्हारे दर्शनों की कितनी अनकंठा है लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना भी तो मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख ना पाऊंगा तब तक नहीं आ सकूंगा। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत ही कहलाऊं, पिता के कोप का भागी बनूं, घर छोड़ना पड़े पर अपनी दूसरी शादी ना करूंगा। हम मगर जहां तक मैं समझता हूँ मामला इतना तोल ना खींचेगा। ये लोग थोड़े ही दिनों में नरम पड़ जाएंगे और तब मैं आऊंगा और अपनी हृदयेश्वरी को आंखों पर बिठा कर ले जाऊंगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ ना चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वह क्या कर सकते हैं। प्रियतम, तुम्हारी चंदा सदस्य तुम्हारी रहेगी, तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे विसारना मत। बहन आंखों में भांस उभर आते हैं, अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द देना, तुम्हारी चंदा। प्यारी बहन प्रज्ञा, तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र ना लिखने का कारण आलस्य ना था, सैर सपाटे की धुन ना थी। रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता था कि कोई ऐसी बात हो जाती थी कि कोई ऐसी बाधा खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पढ़ रहती थी। तो मुझे अब देखो तो शायद पहचान ही ना सको। मंसूरी से दिल्ली आए एक महीना हो गया, यहाँ विनोद को 300 रुपए की जगह मिल गई है। वे सारा महीना बाजार की खाक छाने में काटते हैं। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है, मैं जो चाहूं करूं, उसे कोई मतलब नहीं। वे मेरी मेहमान है, गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वे निश्चित हो गए हैं। ऐसे भी फिक्रे मैंने आदमी नहीं देखे। हाजिरी की परवाह है, ना डिनर को बुलाया तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। उन्हें डांटूं तो मैं रखूं तो मैं रखूं, निकालूं तो मैं रखूं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं चाहती हूं वो मेरे प्रबंध की आलोचना करें, ऐप निकालें। मैं चाहती हूं जब मैं बाजार से कोई चीज लाऊं तो वह बतावे में जट गई या जीत गई। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृहस्थ प्रबंध चला सकेगी। विनोद के संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निज की जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक की चीजें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती मैं अपने लिए कोई चीज लाऊं तो वे नाराज ना होंगे, नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक सिंगार की चीजें वो खुद लाकर दे। उनसे लेने में जो आनंद है वह खुद जाकर लाने में नहीं आता। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपए महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी जरूरतों पर खर्च सकती हूँ। पर ना जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके रुपए खर्च के डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकता वह किसी बात पर खुश भी तो नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता वह किस बात से खुश है और किस बात से नाराज होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा ना हम दोनों कभी गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता
व्यस्तता से उसका जवाब देती थी। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर ना लिखे होते थे उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती थी। सोचते थे मेहनत अकारण जाएगी। मैं रोज प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रीक से भेंट हो गई। वह लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती हैं। किसी का सिर भी धमका और मिस रीक बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने मिस रीक को पढ़ाया था। उसका एहसान वह अब भी मानते हैं। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण ना देना अशिष्टता हो हद होती है। मिस रीक ने दावत मंजूर कर ली थी। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वह मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया। उनमें भोजन की क्या शिष्टाचार है इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वे बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस्रिक के आने की सूचना बता दी थी पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने भी निश्चय किया मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगी। यही ना होगा कि मिस्रिक हंसेंगी। भला से अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहां मिस्रिक को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हमीद जैसे परिवार रहते हैं उनसे सलाह ले सकती थी पर यह संकोच होता था कि ये लोग मुझे गवार समझेंगे। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस्रिक आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस्रिक बार बार नाक सिकोड़ती थी जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती थी। किसी भांति विपत्ति से चली। तब मैंने कान पकड़े कि किसी अंग्रेज की दावत नहीं करूंगी। उस दिन से देखा हूँ विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ। वे शायद समझते हैं कि मैंने उनकी भद्दा करा दी है। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित लज्जित किया है। सच कहती हूँ कि अगर विनोद का यही हाल रहा तो मैं अब उनसे बात नहीं करूंगी। मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक भी नहीं पढ़ी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहां चली गई। अब वे सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ मैं चलूं तो वे तैयार हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से भी तो आए। मैं उसका अनुमोदन करूं। शायद वे पहले की आदतें छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है अपने में ग्रह संचालन की शक्ति ना पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर ही डाल दिया है। मंसूरी में वे घर के संचालक थे। 2-2.5 महीनों में 1500 खर्च कर दिए थे। कहां से लाए यहां मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद कुछ रहा हो। संभव है किसी मिस्र से लिया हो। 300 रुपए महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या। 50 रुपए तो मकान के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है विनोद से कह दूं कि मेरे चलाए ये ठेका ना चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें। खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएं और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया। दिल में ठान कर उनके पास गई थी लेकिन उसका सामिप्य मेरे सारे संयम सारी ग्लानि सारी वृत्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल उनके अनुरक्त नेत्र उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र सा डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन में मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता है। अगर ये इतने रूपमान इतने मधुरभाषी इतने सौम्य ना होते तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती अपनी कठिनाइयां कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ। मुझसे क्यों यह भाव नहीं आता कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है। मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूँ। इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना चाहिए। चाहे जो कुछ हूँ अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी प्रज्ञा। प्यारी प्रज्ञा तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ। कुछ हंसी आई कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो यह तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी वह तुम्हें मिल गई। दो आदमियों के लिए 300 रुपए कम नहीं होते।
उस पर भी तुम्हारे पापा भी तो 100 रुपए दे देते हैं। अब और क्या करना चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं है। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती हैं। फिर मैंने जो माता पिता का वियोग कोई बात ना थी वो मैंने वहां से विदा होते हुए महसूस किया। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू ना आते थे, सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींचे लेता है। अम्मा जी के गले लिपट कर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौट कर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय वे रुदन का आनंद! उसमें पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकती थी। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कष्ट उठाया। मैं उन जन्म की रोगिणी हूँ, रोज ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रह जाती थी। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक नहीं आती। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से देखा ही नहीं। मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। 10 वर्ष की उम्र तक तो यूं हो गए, 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं तो यूं पर झाड़ कर अलग हो गई। खुद 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि मेरे जन्म इसी गोद में हो और फिर इस अतिल पितृ स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हो गई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकाल कर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस वक्त कमरे में एक औरत भी ना थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा ली और बोली, आप कौन है? ये जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में बहुत भीड़ है। मैंने रोज से कहा, नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा, आपको निकलना पड़ेगा, आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी। अरे साहब, मैं अभी आदमी हूँ, कोई जानवर थोड़ा ना हूँ। इतनी जगह पड़ी हुई है, आप इसमें हर्ज क्या? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सवार मालूम होती हैं। ये गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय ना था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी। मरे अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था, यहाँ और कोई तो है नहीं, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित ना कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। क्यों एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा? मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैंने उसे जरूर मार दिया होता, मगर इस दशा में क्रोध से और चबाने के सिवा और क्या करती। आखिर चलाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन है? उससे ढिठाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बतलाइए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात माने कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे, मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर यह बात कही, मेरा गला भी भर आया था। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, याद रखेगा। उसने द्वार खोल दिया और एक पांव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हुआ वह नीचे कूदने जा रहा है। बहन, नहीं कह सकती इस वक्त मेरे दिल की क्या दशा हुई। मैंने बिजली की तरह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसे गिलाने से भरे हुए शर्म का, क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था, अगला स्टेशन आने दीजिए। जब आप भगा ही रही तो जितनी जल्दी भाग जाऊं उतना ही अच्छा। मैं ये कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए। अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन भी दे दो। अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा पुरुष बातें करता तो आपको कैसा लगता? मैंने निसंकोच होकर पूछा। तो फिर आपके साथ मेरा पति का क्या व्यवहार करेंगे?
क्या आप समझते होंगे? तुम अपनी रक्षा आप ही कर सकती हो प्रिय, तुम्हें पति की मदद की जरूरत नहीं। अब आओ मेरे गले से लग जाओ, मैं ही तुम्हारा भागशाली स्वामी और सेवक हूँ। मेरा हृदय उछल पड़ा, एक बार मुंह से निकला अरे आप, और मैं दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया, मुंह से एक शब्द न निकला। स्वामी ने कहा अब ये शर्म और पर्दा कैसा? मैंने कहा आप बड़े छलिए हैं, इतनी देर तक मुझे रुलाने में क्या मचाया? स्वामी इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों भी ना पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो, क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? अवश्य। बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिल्ली बहुत दिनों तक याद रहेगी। मेरे स्वामी औसत कद के हैं, सांवले चीचकर दुबले आदमी हैं, उनसे कहीं रूपमान पुरुष मैंने कहीं देखा है नहीं। पर मेरा हृदय कितना उल्लसित हो रहा था, कितनी आनंदमय संतुष्टि का अनुभव कर रही थी मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने पूछा गाड़ी कब तक पहुंचेगी? शाम को पहुंच जाएंगे। मैंने देखा स्वामी का चेहरा कुछ उदास हो गया है, वह 10 मिनट तक चुपचाप बैठे बाहर की तरफ ताकते रहे। मैंने उन्हें केवल बात में लगाने ही के लिए अनावश्यक प्रश्न पूछा था, पर अब भी वह ना जाने क्यों नहीं बोले। पानदान खोलकर पान बनाने लगी। ससन उन्होंने कहा चंदा एक बात कहूं? मैंने कहा हाँ शौक से कहिए। उन्होंने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा मैं जानता हूँ कि तुम इतने रूपवती हो तो मैं तुमसे विवाह न करता। अब मैं तुम्हें देखकर मुझे मालूम हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मैं किसी तरह तुम्हारी योग्य ना था। मैंने पान का बीड़ा उन्हें देते हुए कहा ऐसी बातें ना कीजिए, आप जैसे ही मेरे सर्वस्व हैं मैं आपकी दासी बनकर अपने भाग्य को धन मानती हूँ। दूसरा स्टेशन आ गया, गाड़ी रुकी, स्वामी चले गए। जब जब गाड़ी रुकती थी वे आकर 2-4 बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सासू जी स्वभाव की रूखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो, फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता रहेगी कि तुम बहनोई जी का ध्यान नहीं रखती और तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास बार बार आना सासी को अच्छा नहीं लगता। वह समझती है कहीं सिर न चढ़ जाए, क्यों मुझ पर यह उनकी अकृपा है कह नहीं सकती, पर इतना जानती हूँ कि वह अगर इस बात से नाराज होती हैं तो हमारे ही भले के लिए। वह ऐसी कोई बात क्यों करेंगी जिससे हमारा हित ना हो? अपनी संतान का हित कोई माता थोड़ी कर सकती है। मुझे में कोई बुराई उन्हें नजर आई होगी। 2-4 दिन में आप ही मालूम हो जाएगा। अपने यहाँ के समाचार लिखना, जवाब की आशा 1 महीने के पहले तो है या नहीं, यह तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चंदा।